कितनी फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, क्या है पूरी बात? जो यहाँ पर फोर्स लगती रही है हर साल उसी अनुपात में इस साल भी यहाँ पर फोर्स लगेगा। पूरे जोन लेवल का फोर्स लगता है, पूरे एरिया को जोन और सेक्टर में बांटा जाता है और दिन और रात दो शिफ्ट में राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। लगभग 60 राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी इसमें लगती है, 2500 के लगभग अन्य फोर्स जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर शामिल हैं वो लगते हैं। लगभग 14 कंपनी PAC और 6 कंपनी पैरामिलिट्री, कम से कम इतना फोर्स इसमें लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रोन कैमरा, बॉडी वन कैमरा, प्रमुख जुलूसों पर ATS की QRT, हमारे अभिसूचना के दल और विभिन्न स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, कई टीमें जो हैं इसमें जगह जगह पर डिप्लॉय की जाती हैं। कई जगह पर CCTV कैमरे भी अलग से लगाए जाते हैं और सभी थानों पर एक्स्ट्रा QRTs का प्रबंध किया जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाता है। काफ़ी भारी संख्या में रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स को भी इसमें बुलाया जाता है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी। और इतना ही नहीं, अतिरिक्त मोटरसाइकिल मोबाइल जो हमने पिछले साल पहली बार शुरू किया था, लगभग 70 मोटरसाइकिल मोबाइल गली मोहल्ले कवर करने के लिए यहाँ पर क्लोज कराई जाएंगी और लगभग 50 बॉडी वॉन कैमरा जो हमारे पुलिस कर्मी उनको पहन के चलेंगे ड्यूटी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सभी थानाध्यक्षों को बता दिया गया है कि उनकी गाड़ी में हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा, दंगा निरोधी उपकरण, एंटी राइड गन्स, ये सब चीज़ें तैयारी हालत में मौजूद रहें और लाउड हेलर और स्पीकर्स ये सब भी अपने पास सब लोग रखें ताकि कहीं पर भी संवाद करना हो तो दिक्कत ना हो सके। अभी सूचना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चौकीवार मीटिंग्स रखने के लिए सभी लोगों को कहा गया है कि अपने त्यौहार रजिस्टर भी पढ़ लें और अपने अधीनस्थ चौकी इंचार्ज और कॉन्स्टेबल्स को भलीभांति ब्रीफ कर लें। जो भी परंपरागत चीज़ें हैं जैसे होती आई हैं उसी तरह से होंगी, कोई भी नई परंपरा इसमें ना डाली जाए, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए बता दिया गया। धन्यवाद। थैंक यू।